भारत जानवरों के मामले में दुनिया का बहुत ही खास देश है, क्योंकि यहाँ 104 नेशनल पार्क है और 553 वन है। भारत में पर्वतों पर बर्फीली जलवायु से लेकर रेगिस्तान तक देखने को मिलते हैं, और यही कारण है कि देश विदेश से पर्यटक लगातार भारत के अलग अलग राज्यों में घूमने आते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया में कई ऐसे भी जानवर हैं जो केवल भारत में ही देखने को मिलते हैं। इनमें एशियाई से बाघ और गेंडा से लेकर बरसिंघा तक शामिल है। तो आज हम उन जानवरों के बारे में जानेंगे जो केवल भारत में ही देखने को मिलते हैं। एक सिंह वाला गैंडा। एक सिंह वाला गैंडा पहले पाकिस्तान और म्यांमार में भी पाया जाता था, लेकिन आज ये केवल भारत और नेपाल में देखने को मिलते हैं। जानकारी के मुताबिक इनकी संख्या करीब 3,700 ही बची है। इन 3,700 में कांजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं। एशियाई बब्बर शेर। ये शेर गुजरात के नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यह शेरों की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो अफ्रीकी शेरों से अलग है। एक समय था जब एशियाई बब्बर शेर मध्य पूर्व से लेकर भारत के मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक में मौजूद था। 1990 में इनकी संख्या 284 थी, लेकिन अब सरकार लगातार ध्यान दे रही है और इनकी संख्या 2020 में 794 तक पहुँच गई है। बाघ। भारत में दुनिया के 70% बाघ रहते हैं, लेकिन इसमें भी पट्टीधारी बाघ केवल भारत के बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। हालांकि इनके अवैध शिकार के कारण इनका अस्तित्व खतरे में है। सोन चिड़िया। सोन चिड़िया विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक दुनिया में सोन चिड़िया बहुत कम बची है। इनके शिकार होने की वजह से विलुप्त होने की स्थिति पर पहुँच गई है। सोन चिड़िया भारत के 11 राज्य के अलावा पाकिस्तान में भी पाई जाती है। बंडारू। पश्चिम घाट के वर्षा वनों में पाए जाने वाला लाइन टेल्ड मकाक बंडारू के नाम से भी जाना जाता है। इन जानवरों की शेर जैसी पूछ और फर वाले मुंह आकर्षित करता है। यह अक्सर पेड़ों पर ही रहना पसंद करता है। जानकारी के मुताबिक आज इनकी संख्या 3,000 से 4,000 बची हुई है, और यह सबसे ज्यादा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है। कश्मीरी हंगुल। कश्मीरी हंगुल यूरोपीय लाल बरसिंघा की एक उप प्रजाति है। कश्मीरी हंगुल जानवर अक्सर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, हालांकि पहले यह हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता था। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या केवल 150 ही है। नीलगिरी तह। नीलगिरी पश्चिम घाट में मिलने वाला एक खास तरह की बकरी है। नीलगिरी जानवर करीब 6,500 फुट की ऊंचाई पर रहता है। एक समय पर यह घाट में हर जगह देखने को मिलती थी, लेकिन अब यह केवल नीलगिरी और आनामानी की पहाड़ियों में देखने को मिलती है। इसके अलावा केरल के एराविकुलम नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। बारहसिंघा। हिरण के 12 सिंह होते हैं, इसलिए इन्हें 12 सिंघा कहते हैं। फिलहाल यह मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है, और बता दें कि 1960 के दशक में यह विलुप्त हो गया था, लेकिन सरकार द्वारा उसके बाद किए गए प्रयासों से इनकी संख्या बढ़ने लगी और पार्क में ही 812 सिंघा है। यह नेपाल और आसाम में देखने को मिलते हैं। किंग कोबरा। किंग कोबरा भारत में बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार में कोबरा की कई प्रजातियां देखने को मिलती है। इनमें से अंडमान कोबरा केवल भारत में ही देखने को मिलता है। डॉल्फिन। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन केवल भारत की गंगा नदी में ही देखने को मिलती है। डॉल्फिन अक्सर साफ पानी में पाई जाती है। एक समय में यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत अधिक संख्या में मिलती थी, लेकिन अब इनकी संख्या काफी कम हो गई है और इनके संरक्षण पर काम हो रहा है, और यह भारत के अलावा नेपाल और बांग्लादेश में भी मिलती है।